हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कमल जोशी। दोस्तों, आज बात करेंगे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, जो हमारे एसटी साइड पे हमारे ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर लगे रहते हैं उसके बारे में, जिसे हम आरटीसीसी पैनल भी बोलते हैं, रिमोट टैप चेंजर कंट्रोल पैनल। अभी ये क्या है, रिमोट टैप चेंजर कंट्रोलर है ये। अपना जो स्क्रीन जिसमें लगी हुई है डिस्प्ले, ये हमारा कंट्रोलर है। इस पर सॉफ्ट कीज भी दी हुई है, साइड में अंडर वोल्टेज और रेज और लोअर का हमारे को एलईडी दिया हुआ है। यहाँ पर 428 वोल्ट हमारा आउटपुट है सेकेंडरी से, और 10.8 kV जो है हमारा इनपुट है, मींस प्राइमरी साइड ऑफ ट्रांसफार्मर है। 110 वोल्ट इसकी कंट्रोलिंग है ये कंट्रोलर की, और जो अपना मोटर वगैरह ऑपरेट होती है उसकी। और ये नेक्स्ट, इंक्रीमेंटल, डिक्रीमेंटल एंड ये सब इसकी सेटिंग्स के लिए दिया हुआ है। अब नीचे दिखाते हैं स्क्रीन, ये हमारे टैप पोजीशन इंडिकेटर है। इसमें दूसरे टैप पोजीशन अभी दो है, मींस अभी दो टैप पोजीशन में हमको मिल रही है 428 वोल्ट। 428 वोल्ट हमें अभी मिल रहा है, तो अभी हमारा क्या है कि दूसरी टैप पोजीशन में ही हमें 428 वोल्ट मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। अगर अगर हमारा वोल्टेज कम रहता है तो ये क्या है, टैप पोजीशन ऑटोमेटिकली बढ़ा देगा। अगर हमारा 400 अगर वोल्टेज हो जाता है, तो ये हो सकता है मे बी 3 और 4 में हमें मिले, तो ये ऑटोमेटिक इस चीज़ को करता है। अगर मैन्युअली करना है तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास। इसके नीचे हमारे स्विच दिया रहता है, उसको मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर 429 वोल्ट है, ये टैप पोजीशन दो है, और इसके साथ में आप देखेंगे तो हो सकता है आपके जो सिस्टम है उस पर कहाँ पर दिया है, ये डिपेंड करता है। ये यहाँ पर टैप पोजिशन, ये ऑटो और मैनुअल दिया हुआ है। ऑटो में अभी यहाँ पर है एक नंबर, अभी आपको नीचे दिख नहीं रहा है, लेकिन ये एक नंबर पे है, तो ये ऑटो पे है। और इसका दो दो नंबर क्या है, मैनुअल है। और जो दो में अगर हम दो पे ले जाएंगे इसे, तो फिर हम मैनुअली हम इसे घटा बढ़ा सकते हैं टैप पोजिशन को। तो इसके साथ में जो ये रेड पुश बटन है, और यहाँ पर एक ग्रीन पुश बटन है, रेड पुश बटन से हम रेज कर सकते हैं टैप पोजीशन को। अगर हमारा वोल्टेज कम आ रहा है, मैन्युअली हम उसे बढ़ा सकते हैं आउटपुट में। तो यहाँ पर क्या होगा, रेड को क्या करेंगे, प्रेस करेंगे, तो हमारा ये जो है सेकेंडरी वोल्टेज हमारा बढ़ेगा, और वैसे ही टैप पोजीशन हमारी बढ़ेगी। और टैप पोजीशन बढ़ेगी, उसमें जो मोटर होती है वो टैप पोजीशन को चेंज करती है, और यहाँ पर हमारे डिस्प्ले में पता चल जाएगा कि हमारी टैप पोजीशन बढ़ गई है। और वैसे ही यहाँ पर एक ग्रीन वाला है, इसे लोअर होगी। अगर हमारी वोल्टेज ज़्यादा आ रही है और मैनुअली हमें कम करना है, तो इसे प्रेस करेंगे तो हमारा टैप पोजीशन डाउन होगी और हमारा वोल्टेज भी डाउन होगा। तो अभी यहाँ पर 429 वोल्टेज आ रहा है, ये ऑटोमेटिक में है, तो ये ऑटोमेटिक खुद चेंज होता है। ये है ट्रांसफार्मर में है, वो था आपका पैनल, और ये ट्रांसफार्मर का यहाँ पर टैप पोजीशन दिखा रहा है। ये देखिए, यहाँ पर मैन्युअली यहाँ पर दिख रहा है आपको, दूसरी पोजीशन पर हमारा टैप है अभी। और इसके नीचे भी हमको ऑप्शन दिया रहता है रिमोट, और ये देखिए रिमोट और लोकल का यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। रिमोट से अभी हो रहा है, तो मीन्स हमारा जो कंट्रोलर वहाँ पर था उसके थ्रू इसकी कंट्रोलिंग हो रही है। आप लोकल मोड में लेके भी इसे घटा और बढ़ा सकते हैं। उसके साथ में जो यहाँ पर मीटर सा लगा हुआ है, उसके साथ में जो हमारा स्विच दिया हुआ है, उससे हम लोअर और रेस कर सकते हैं। और इसके नीचे जो ये मोटर लगी हुई है, ये क्या है, टैप पोजीशन को चेंज करती है, और मोटर को क्या कर इसकी कंट्रोलिंग यहाँ पर पूरी हमारा ऑन लोड टैप, ऑन लोड ट्रांसफार्मर के साथ में मिलता है सारा। ये देखिए, यहाँ पर ये कॉन्टेक्टर दिया हुआ है, एक्सिलरी कॉन्टेक्टर है, और यहाँ पर MCB है, तो इसकी कंट्रोलिंग यहाँ पर सारी दी हुई है। लाइटिंग के लिए भी एक होल्डर दिया हुआ है। तो ये देखिए ट्रांसफार्मर है, ये इसे स्टेप डाउन करके 110 वोल्ट पर यहाँ पर बनाता है, और ये हमारा मोटर इससे रन करती है, और हम घटाएंगे तो स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये घटती बढ़ती है। और यहाँ पर ये दिया हुआ है, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि किस तरीके से यहाँ पर मोटर का कनेक्शन की हाउसिंग हमने फिट की हुई है। और ये है हमारा टैप पोजीशन जो दिख रहे हैं, और ये मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि यहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, और रिमोट से जो आपका कंट्रोलर है वहाँ वहाँ से भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों, थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और ये देखिए, इसके बाहर से भी आपको पता चल सकता है इसके पार्ट्स नेम, और किस तरीके का ये मेक है, क्या है इसके अंदर। बाहर से भी अगर आपके ट्रांसफार्मर में हो तो आप देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस तरीके की जानकारी लेने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।